गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डू एस डायरेक्टेड। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डू एस डायरेक्टेड, इसके अंतर्गत क्वेश्चन लिखा है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिव द प्लूरल फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? बहुवचन रूप। आपका फॉलोइंग वर्ड नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके हमें प्लूरल फॉर्म लिख देना है, यानी सिंगुलर फॉर्म में है। तो देखो, बॉक्स, बॉक्स का मतलब बक्सा, कितने बक्से? एक बक्स। इसको हम प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस। फिर फूड, फूड का क्या हो जाता है? फूड का एफ डबल ई टी। फूड का क्या होता है? फूड का होता है टी। नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू, एक चाकू। नाइफ का क्या हो जाएगा? के एन आई डी ई एफ। इग्निम होता है, ऐसे शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ई है, तो एफ या एफ ई को हटा करके बी ई एस बोल देते हैं। तो नाइफ के अंत में एफ ई था, एफ ई हटाया और बी ई एस बोल दिया, नाइफ का हो गया नाइफ। डियर, डियर का डियर, डियर का क्या होता है? डियर। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके वो ही सिंगुलर भी होते हैं और वो ही प्लूरल होते हैं। तो हमने जेन कर दिया है प्लूरल फॉर्म में। बॉक्स का क्या हो गया? बॉक्सेस हो गया। फुट का क्या हो गया? फीट हो गया। नाइफ का क्या हो गया? नाइफ्स हो गया। डियर का क्या हो गया? डियर हो गया। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।